डॉक्टर कविता खन्ना स्वास्थ्य के क्षेत्र में एक ऐसा विश्वसनीय नाम जिन्होंने लगातार अपने कई वर्षों के कड़े रिसर्च वर्क एवं एप्लीकेशन से बतौर न्यूट्रिशनिस्ट देश में अपनी एक खास पहचान बनाई है। 23 सालों के गूढ़ अनुभव के साथ डॉक्टर कविता ने राजधानी दिल्ली और NCR क्षेत्र में बतौर फूड एवं लाइफस्टाइल कंसल्टेंट बड़ा नाम कमाया है। सन 1993 जब डॉक्टर कविता लेक्चरर के रूप में शिक्षाविदों में आईं, उन्होंने जीवाजी विश्वविद्यालय ग्वालियर से भोजन और पोषण में MSc और चरण सिंह विश्वविद्यालय मेरठ से न्यूट्रिशन में PhD प्राप्त की है। आपके पसंदीदा विषय फूड न्यूट्रिशन एवं लाइफस्टाइल पर अनेकों रिसर्च पेपर पब्लिश हो चुके हैं। इसके अलावा डॉक्टर कविता ने चेन्नई अन्नामलई विश्वविद्यालय से होटल प्रबंधन में भी MSc की डिग्री प्राप्त की है। उच्च शिक्षा हासिल कर चुकी डॉक्टर कविता इस समय विश्वविख्यात MIT विश्वविद्यालय नोएडा में PhD कोऑर्डिनेटर हैं। अपने परिवार की डाइट का खास ख्याल रखने वाली और न्यूट्रिशंस के क्षेत्र में दिलचस्पी रखने वाली डॉक्टर कविता बचपन से ही हेल्थ सेक्टर में कुछ करना चाहती थीं और स्वास्थ्य क्षेत्र में आगे आने का फैसला किया। अपनी सलाह से हजारों लोगों की जिंदगियां संवार चुकी डॉक्टर कविता आज समाज में रोल मॉडल बन चुकी हैं। बतौर न्यूट्रिशनिस्ट डॉक्टर कविता लोगों को भोजन और पोषण की पर्याप्त जानकारी देती हैं और लोगों को बताती हैं कि उन्हें किस प्रकार अपनी जीवन शैली और सेहत के अनुसार पौष्टिक भोजन लेना चाहिए और किस प्रकार के भोजन के सेवन से लोग अनेक प्रकार की बीमारियों से बच सकते हैं। अपने इसी सेवा भाव के साथ डॉक्टर कविता लोगों के अच्छे स्वास्थ्य और देश के बेहतर भविष्य के प्रति पूर्ण समर्पित हैं। ईट हेल्दी, स्टे एक्टिव, लिव लॉन्गर। नमस्कार दोस्तों, फूड फंडा विद डॉक्टर कविता खन्ना में आज आपका स्वागत है एक नए कंसेप्ट, एक नए टॉपिक के साथ। आप जानते ही होंगे कि फलों की इंपॉर्टेंस कितनी है हमारी लाइफ में। ये बहुत सारे फल आपके सामने रखे हुए हैं, बहुत ही सुंदर सुंदर, बहुत ही अच्छे दिखने में, बहुत ही फ्रेश। इनको देखते ही हमें फ्रेशनेस की फीलिंग आती है। तो क्यों ना हम शुरू करें इनकी खासियतों के बारे में, ये हमारे लिए कितने हेल्दी हैं, ये हमारे लिए क्यों इम्पॉर्टेंट है। तो हम सबसे पहले बात करते हैं अनार की। अनार एक बहुत ही इंटरेस्टिंग फल है जिसके अंदर भरपूर मात्रा में आयरन पाया जाता है और जिसके शरीर में खून की कमी होती है या उसका HB नहीं बनता है, हीमोग्लोबिन की कमी हो जाती है, आयरन की कमी हो जाती है, उन लोगों को अगर हम अनार का एक ग्लास रेगुलरली दें या वो लोग एक अनार भी रेगुलर कंज्यूम करते हैं तो हीमोग्लोबिन लेवल, आयरन का जो लेवल है, वो 15 दिन में इंक्रीज हो जाता है। और इसके साथ साथ इसमें एंटीऑक्सीडेंट्स की भी भरपूर मात्रा होती है जो कि एंटी एजिंग का काम करती है, बॉडी को डिटॉक्सिफाई करती है, बॉडी के डाइजेशन में हेल्प करती है। तो ये सारे फायदे अनार के अंदर मौजूद हैं। अगर हम अनार का सेवन रेगुलर करते हैं तो ये जो इसके अंदर मौजूद ऑक्सीडेंट्स होते हैं जो कि हमारी स्किन को अल्ट्रावायलेट रेस से बचाते हैं, इसके अलावा इसके अंदर विटामिन ए, विटामिन ई और विटामिन सी भरपूर मात्रा में है। साथ ही साथ मैंने आपको बताया कि ये हमारे आयरन के लेवल को भी बढ़ाता है जिससे कि हमारा खून बढ़ता है। तो इसी तरीके से ये इतने सारे फलों को देखने के बाद जो ताजगी का अनुभव होता है, वही ताजगी का अनुभव हम इनको खाने के बाद भी फील करते हैं। तो क्यों ना हम फल रोज खाएं और स्वस्थ रहें। आप मेरे चैनल को रेगुलरली देखें तो आपको उसके बेनिफिट्स और भी चीजों के बेनिफिट्स आपको रेगुलरली मिलते रहेंगे। और आज इसी के साथ मैं अपने इस चैप्टर को यहीं क्लोज करती हूं। देखते रहिए फूड फंडास विद डॉक्टर कविता खन्ना। डॉक्टर कविता खन्ना से अपॉइंटमेंट और एडवाइस के लिए संपर्क करें 7827875057। किसी भी अन्य जानकारी के लिए हमारी वेबसाइट पर विजिट कर सकते हैं www.drkavitakhanna.com। किसी भी अपडेट के लिए हमारे फेसबुक और इंस्टाग्राम पर लाइक या फॉलो करें। किसी भी वीडियो अपडेट के लिए हमारे YouTube चैनल डॉक्टर कविता खन्ना को भी सब्सक्राइब करें और कोई भी अपडेट मिस ना हो इसके लिए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें।